मेरा नाम अनीता प्रसाद है। आज मैं आपको दिखाती हूँ कि मेथी का पराठे को कैसे बनाते हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहले मेथी, जिसे मैंने काट लिया है, इसमें इसके लिए लगेंगे आटा, मल्टीग्रेन ओट्स, कटे हुए ओनियन, धनिया के पत्ते कटे हुए, सॉल्ट, हल्दी पाउडर, रेड चिली पाउडर, अजवाइन, चाट मसाला, काला नमक, ग्रीन चिली, जिंजर कटे हुए और ये तिल, व्हाइट तिल, जो कि मार्केट में आपको आराम से मिल जाएंगे, और ऑयल। आइए बनाते हैं। सबसे पहले मेथी लेंगे, उसमें हम लोग आटा डालेंगे। आधी कटोरी मल्टीग्रेन ओट्स डालेंगे, कटे हुए आधे कटोरी ओनियन डालेंगे, धनिया पत्ते, जिंजर कटे हुए, हल्दी पाउडर आधा से भी थोड़ी सी कम, रेड चिली पाउडर आधा चम्मच से भी थोड़ी सी कम, सॉल्ट अपने टेस्ट के हिसाब से आप डालें, ग्रीन चिली एक या फिर अपने टेस्ट के हिसाब से आप डालें, काला नमक है 1 पिंच ऑफ काला नमक, चाट मसाला पाउडर 1 पिंच ऑफ, व्हाइट तिल है, अजवाइन करीब आधा चम्मच, ऑयल 2 से 3 चम्मच आप डालें। अब इसमें थोड़े थोड़े पानी डालकर हम लोग इसको गूंद लेंगे, दोनों हाथों से आराम से गूंदे। इसे गूंदते समय अगर आप थोड़ी सी 1 चम्मच के आसपास बेसन डाल देंगी तो आपकी रोटी सॉफ्ट बनेगी। इसे हम लोग छोटे छोटे गोले में बना लेंगे, थोड़ी सी और लेके इसे हम लोग थोड़े मोटे मोटे ही बेलेंगे। इसे मध्यम आंच पर हम लोग पका लेंगे दोनों साइड, उसके बाद ऑयल लगाएंगे। अब ये दोनों तरफ लाल हो चुका है, इसमें हम लोग ऑयल डाल रहे हैं। और मध्यम आंच पर पका लेंगे और अच्छे से लाल कर लेंगे। अब ये दोनों तरफ लाल हो चुका है, इसको हम लोग प्लेट में निकालेंगे और इसे बटर से सजा के अचार के साथ आप खा सकते हैं। मेरी बनाई ये रेसिपी अगर आपको पसंद आई तो आप मुझे सब्सक्राइब कीजिए और मुझे लाइक कीजिए। थैंक यू।